तो टॉपिक पे आते हैं। मेरा नाम साबुद्दीन खान है, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट करनाल, आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट करनाल, कुरुक्षेत्र, उसके आसपास में मेरा एक गांव है, छोटा सा गांव, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। कैसे मेरी जिंदगी में आरसी बिजनेस आया, क्या मैंने अचीवमेंट लिया आरसी बिजनेस में, क्या करने से मेरे को फायदे मिले, मैं क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शॉर्टकट में जो है आप लोगों को अपना थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को टच करने की कोशिश करूंगा के साबुद्दीन क्या क्या था आरसी बिजनेस से पहले और आज उस खुदा ने इस आरसी बिजनेस के माध्यम से मेरे को क्या दिया, तो उस पे मैं सीधी सीधी बात पे आता हूँ। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे, हो सकता है नए साथी जुड़े हों, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आज के इस वेबिनार में। और जो साथी आज पहली बार, जो साथी हमारे पुराने और जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट अभी मार्च में आप लोगों ने करके दिखाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और आरसीम का नाम रोशन और डी कुमार जी का नाम रोशन करते रहें, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें, तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो क्योंकि समय कम है, मैं फिर कभी आप लोगों से मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मैं साबुद्दीन खान, एक गाँव का मैं रहने वाला लड़का जो आपके सामने खड़ा है, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको पहले बता दूं, कुछ लोग नए हैं उनको थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप लोग उस चीज से कि जब साबुद्दीन खान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में और मेरा बैकग्राउंड ये है कि आज से लगभग 80-90 साल पहले की मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, मैं उस समय जो है नहीं था। मेरे दादाजी जिस गांव में रहते थे तो हमारा एक गांव में जो है बहुत ज्यादा जिनके पास जमीन ज्यादा था, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा मेरे गाँव में रहते थे, आज भी हैं। तो उस जमाने में सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, मेरे दादाजी मिस्त्री का काम किया करते थे और मेरे दादाजी कहीं दूसरी जगह रहते थे, तो हमारे गांव के लोगों को पैदल जाया करते थे और पैदल जाके दूसरे गांव में जाके अपने जो खेती बाड़ी के जो औजार होते हैं उनको बनाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। तो लोग परेशान थे गाँव के, तो गाँव के अमीर लोगों ने डिसीजन लिया कि यार किसी मिस्त्री को लाके इस गाँव में बसा देते हैं ताकि हमें दूसरे गाँव में न जाना पड़े, और जो यहाँ पे वो काम करेगा हम उसको बदले में उसकी मेहनत दे दिया करेंगे। तो 90 साल 100 साल पहले मेरे दादाजी को लाके मेरे गांव में जो है बसा दिया गया और मेरे दादाजी को एक गांव की पंचायत में, गांव ने कहा कि मियाँ जी ये पंचायत की एक जमीन है, इसमें आप अपना घर बना लो छोटा सा और आप काम करो जो भी किसान लोग हैं उनका। तो मेरे दादाजी पूरा साल जो है उन किसानों के लिए काम करते थे जो मिस्त्री का काम हुआ करता था, और जब फसल का टाइम आता था तो मेरे दादाजी को जो है उस काम के बदले में अनाज मिल जाया करता था। तो ये मेरी बैकग्राउंड है दोस्तों। आप सोचिए जब मेरी आंखें खुली तो मैंने क्या पाया, मेरे घर में एक खजूर, एक पेड़ होता है खजूर, आपके मेरे ख्याल से बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा होता है, हमारे हरियाणा में कम होता है, खजूर का एक पेड़ होता है। तो हमारे दादाजी ने कच्चे पक्के अपने घर बना के, कच्चे ईंटों से अपना घर बना के उसमें खजूर का एक सतीर लगाया हुआ था, और जब मेरी आंखें खुली तो जो है मैंने पाया कि मेरे घर में जो है गोबर का पोछा लगा करता था। तो जब मैं अच्छी तरह मेरे को याद है वो दिन जब मैं स्कूल में जाया करता था तो एक प्लास्टिक का कट्टा होता था यूरिया खाद का, जिसको सील के मेरी माँ ने मेरा बैग बना रखा था। दोस्तों ये मेरा बैकग्राउंड है। गरीबी क्या होती है बड़े नजदीक से साबुद्दीन खान ने देखा, और अमीरी के चौंचले क्या होते हैं वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। तो मैं स्कूल में जब जाया करता था तो सब लोगों के पास जो है जमीनें थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन दोस्तों मेरे पास ना कोई डिग्री थी, ना मेरे पास कोई बैकग्राउंड था, ना कोई जमीन थी। जिंदगी में अमीर बनना चाहता था लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो एक दिन हमारे स्कूल में एक फोटोग्राफर आया, तो उस फोटोग्राफर को देख के मेरा एक ड्रीम जगा कि यार क्यों ना मैं फोटोग्राफर बन जाऊं। उस समय मेरे को ड्रीम की वैल्यू नहीं पता होती थी, इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगा कि ड्रीम की वैल्यू क्या होती। तो मैंने उस फोटोग्राफर से बात की, उम्र कम थी, 5वीं 6ठी क्लास में मैं पढ़ता था। मैंने उस फोटोग्राफर को कहा सर मैं काम सीखना चाहता हूँ, मेरे को फोटोग्राफी सिखा दोगे आप? उसने कहा तुम तो बच्चे हो, अपने घर से किसी को बड़े आदमी को लेके आओ, जिम्मेदार व्यक्ति को लेके आओ और स्टूडियो पे आना, फिर बात करते हैं। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, 18, 20, 25, 30 साल पहले मैं जो है अपने बड़े भैया को लेके उनकी दुकान पे गया और फोटोग्राफर से बात की कि सर मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तो फोटोग्राफर ने मेरे को कहा कि ठीक है, आपको डेली सुबह आके दुकान खोलना पड़ेगा, आपको रोज आके जो है दुकान की सफाई करना पड़ेगा और कम से कम 4 साल 5 साल आपको इस काम को सीखने में लगेगा। दोस्तों मेरे गांव से वो सिटी 12 किलोमीटर दूर था, आज उस गांव से 12 किलोमीटर जब उस सिटी में मैं फोटोग्राफी का काम सीखने के लिए जाता था तो मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था। मैं सुबह जल्दी उठता था 5 साढ़े 5 बजे और नहा धो के जब सुबह निकलता था तो एक साइकिल,
एक मर्सिडीज हुआ करती थी मेरे लिए उस समय पे वो साइकिल, और मैं सुबह 6 बजे निकल के 1-1.5 घंटा मेरे को साइकिल पे लगता था उस सिटी में जाने के लिए, और जाके मैं उस दुकान को खोलता था, उस स्टूडियो के जो है सफाई करता था, झाड़ू मारता था, और जो है 4 साल तक मैंने इसी तरीके से फोटोग्राफर की दुकान पे झाड़ू लगाया दोस्तों। जिंदगी में आगे कुछ करना चाहता था मैं, शॉर्ट में अपनी स्टोरी आज बताऊंगा, ज्यादा लंबी लेके नहीं जाऊंगा। मैंने फोटोग्राफी का काम कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जिंदगी में कुछ बनना चाहता था आगे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। उन्हीं दिनों में मैं जो है मैंने डिसीजन लिया, मेरी एक सिस्टर थी जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हमारे हरियाणा में एक जगह पड़ती है गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में एक छोटा सा कस्बा है गोहाना, वहां पे मेरी सिस्टर रहा करती थी। तो मैं फोटोग्राफी का काम कंप्लीट करने के बाद अपने गांव को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के, अपने अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपनी सिस्टर के पास रहने लगा, और यहाँ पे आके मैंने फोटोग्राफी का काम शुरू किया। बड़ी मुश्किल से जो है उस काम को शुरू किया था, क्योंकि दोस्तों गरीबी क्या होती है, नजदीक से इसलिए देखा था कि जब साइकिल पे जाता था सर्दियों में हाथ सुन्न हो जाया करते थे, रास्ते में कुछ लोग आग जला के रखते तो हाथ सेक लेता था, और गर्मियों में गर्मी लगती थी। बड़ा मुश्किल से जिंदगी में एक फोटोग्राफर का छोटा सा काम शुरू किया, अपनी सिस्टर के यहाँ पे रहने लगा, और उन्हीं दिनों में मैं काम करते 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 एक घटना मेरी जिंदगी में घटी। जिस स्टूडियो पे मैं रहता था उसी स्टूडियो पे हमारी सिटी का एक लड़का, मैं वो थोड़ा सा उसका इमेज दूसरे टाइप का था, कॉलेज में पढ़ता था, मेरी मेरी स्टूडियो के ऊपर स्मोकिंग करने के लिए आता था अपने घर वालों से छुप के। दोस्तों वो मेरे को एक दिन मेरे स्टूडियो पे आके बोलता है कि साबुद्दीन खान एक बिजनेस शुरू हुआ है जिसमें 1500 रुपया लगता है, और मात्र 1500 रुपये लगाने से आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों मेरे भी साथ वही हुआ जो सब लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब पहली बार हम इस तरह के किसी बिजनेस के बारे में सुनते हैं या इस तरह की कोई बात हमारे से करता है तो हमारे दिमाग में एक ही आइडिया जाता है कि यार ये तो मेंबर सेम्बर बनाने का काम, इसमें तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें तो घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा, चैन सिस्टम है, वाला वाला, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में आती है जो भी पहली बार इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखता है। मैं अंदर से परेशान था कि जिंदगी में बड़ी मुश्किल से दाल रोटी शुरू हुई है, ये बंदा मेरे को मेंबर सेम्बर बनाने के काम बता रहा है। दोस्तों मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ, दोस्त मेरे से हाथ जुड़वा ले, मेरे स्टूडियो पर आया कर, लेकिन जिंदगी में कभी इस तरह की बिजनेस लेके मेरे पास मत आया कर। जानते हैं दोस्तों दोस्त कौन था? मैं शायद आपने नाम तो सुना होगा लेकिन पता नहीं मेरे को मिले होंगे नहीं मिले होंगे, आप विजय विरोधिया जी हम सबके अपलाइन है, आप सब लोग उनको जानते हैं, विजय विरोधिया जी के छोटे भाई हैं, उनके कजन हैं, उनका भी नाम विजय विरोधिया जूनियर के नाम से है, मेरी सिटी में रहते हैं। वो मेरे को प्लान दिखाने के लिए जब बार बार बोलते थे तो मैं उनकी सुनता नहीं था। दोस्तों एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में घटना घटी। घटना क्या घटी कि मेरे मेरे घर जहां पे अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, जहां पे खड़ा होके इसी रोड पे थोड़ा सा आगे चल के गर्ल स्कूल है, उसमें एक टीचर थे, वो टीचर 700 रुपये महीने की नौकरी करते थे, यहाँ से 8-10 किलोमीटर एक गाँव है, उस गांव के अंदर से वो स्कूटर पे आते थे, चेतक स्कूटर पे, और एक गर्ल स्कूल में 700 रुपये महीने की नौकरी करते थे। वो स्कूटर भी ऐसा जिसको कई बार टेढ़ा करना पड़ता था। वो आदमी जब स्कूल में टीचर था, पढ़ाने के लिए आता था, और स्कूल की जैसे ही उसको छुट्टी मिलती थी तो स्कूल की छुट्टी लेने के बाद वो बंदा जो है तुरंत स्कूल से छुट्टी होने के बाद तुरंत मैं एक छोटे से किराए के कमरे पे रहता था, जिस कमरे के अंदर प्लस्तर अंदर नहीं हुआ करता था। मेरी लैंग्वेज वो सब मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी लैंग्वेज डी कुमार जी सबको समझ में आ रही होगी, डी कुमार जी मेरी लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है? आ रही है सर, बहुत जी सर, जी सर, बिल्कुल जी सर, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। तो उस स्कूल में जब वो आता था तो स्कूल की छुट्टी होके मेरे पास एक दिन वो पलस्तर मेरे कमरे में नहीं हुआ करता था, इस तरह का कमरा मैंने मैं उस कमरे के अंदर पलस्तर नहीं था क्योंकि उसके अंदर किराया मेरे को कम देना पड़ता था, इसलिए मैंने वो कमरा किराए पे लिया हुआ था। एक दिन स्कूटर का हॉर्न बजता है, बोलता है साबुद्दीन खान मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आइए। तो हमने बैठ के छोटे से कमरे में एक मीटिंग, उसने मेरे को गोल गोल गोले बनाने शुरू किए, कैसा बिजनेस शुरू हुआ है ये वो, जैसे आरसीएम के लोग दिखाते हैं। जानते हैं वो इंसान कौन था दोस्तों? आप यकीन करके हैरान हो जाओगे दोस्त, वो आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स, मेरे पड़ोस में एक स्कूल में पढ़ाते थे, सुरेंद्र जी वत्स मेरे को पहली बार एक गोले बना बना के मेरे को बता रहे थे कि साबुद्दीन एक बिजनेस आया है जिसके पीछे बहुत बड़ा आप इसमें इनकम ले सकते हो ये वो। मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव भरा हुआ था इन चीजों के प्रति, मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाया और उनको जो है विदा कर दिया। अब उन टीचर का काम क्या था, जैसे उनको दूसरे तीसरे दिन छुट्टी स्कूल की होती मेरे को हॉर्न बजाते और मेरे को टेंशन हो जाती कि आलिया परेशान करने के लिए। दोस्तों उस कमरे में उस समय जो है मेरी मैरिज नहीं हुई थी, एक भतीजा मेरे पास था, मैं उसकी हॉर्न का स्कूटर का हॉर्न सुनते ही समझ जाता था कि ये मास्टर जी आ गए।
तो कई बार तो मैं अपने बेटे का नाम भतीजा था मेरा, वो शहजाद नाम था, मैं उसको बोलता शहजाद देखना कि वही टीचर है कि बोला हाँ अंकल वही है। मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता था और मेरा भतीजा मैं उसको बोलता था मास्टर जी को सुरेंद्र जी वत्स को कि सर यहाँ पे मेरे अंकल नहीं है, वो तो बाहर गए हुए। अब दोस्तों आप लोगों के साथ भी सारी चीजें होती होंगी, लोग आपके साथ भी बहाने बनाते होंगे, लोगों को जूम पे आप बहुत सारे लोगों को बुलाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं आते होंगे, बहुत सारे लोगों को आप फिजिकली मीटिंगों में बुलाते होंगे नहीं आते होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम अगर आपके सीनियर ने किया है तो उनका भी हक बनता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने भी ये काम किए। तो दोस्तों इसी तरीके से समय गुजरता चला गया और मेरे दिमाग में इन चीजों के प्रति नेगेटिविटी क्यों थी मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ बस एक बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के सामने एक परशुराम आश्रम है। उस परशुराम आश्रम में क्या हुआ कि एक दिन वही दोस्त मेरा जूनियर विजय विरोधिया एक दिन अचानक आता है बिना किसी ड्रेस कोड में, सुबह सुबह उनका ट्रांसपोर्ट का काम हुआ करता था, उनके फादर गाड़ी ड्राइव करते थे, ट्रक वगैरह उनके पास हुआ करते थे, मेरे कजन भी उनके साथ उनके ड्राइवर हुआ करते थे। वो सुबह सुबह आया बाइक पे, मैं कमरे पे ऊपर बैठा हुआ धूप के दिन सर्दी के दिन में, बोला साबुद्दीन जल्दी आ कहीं चलना है। उसने मेरे को नहीं बताया कि आरसीएम की मीटिंग है, 8 बजे का टाइम हुआ करीबन 8 या 9 बजे का। मैंने सोचा पता नहीं क्या है, कोई गाड़ी गुड़ी एक्सीडेंट ना हो गई हो, मैंने भी कुछ नहीं पूछा, मैंने भी लुंगी कुर्ता डाल के लुंगी टी शर्ट डाल के, मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, मैं अपने घर में कुर्ता पजामा डाल के रखता हूँ दोस्तों। मैं जब उसके पास साथ में गया और जाने के बाद परशुराम आश्रम में मैंने जाके देखा, वहां पे 20-25 लोग बैठे हुए थे, यकीन करके मानना दोस्तों एक भी आदमी ड्रेस कोड में नहीं था, किसी ने कैफरी डाली हुई थी, किसी ने जो है जींस डाली हुई थी, किसी ने टी शर्ट डाली हुई थी और कोई लुंगी में डाल के आया हुआ था, और एक इस तरह का बोर्ड वहां पे लगा हुआ था, उस बोर्ड पे एक आदमी प्लान दिखा रहा था कि एक आदमी आएगा, एक जमाना आएगा कि आरसीएम के लीडर प्लेन से जाया करेंगे, प्लेन से आया करेंगे, बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो उसने बतानी शुरू करी जो अभी मीटिंगों में सर बहुत सारे लोग अपनी इनकम बता रहे थे, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 10 लाख, तो नए लोगों को तो हजम नहीं होती ना ये चीजें। तो जब उसने कहा कि 1 करोड़ फलाना प्लेन से जाया करेंगे, मैं हंसने लगा। तो जो दोस्त मेरे को लेके गया था मेरे पैर पे पैर रख के जबरदस्ती उसके दबाव डालता है, साबुद्दीन तू हंस क्यों रहा है? मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं, एक आदमी इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, झूठी बातें कर रहा है, तुम लोग उसकी बातों में आ रहे हो? ये इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है, करोड़ों आएंगे प्लेन से जाएंगे, आज लोग पैसा लगा के पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पैसे लगाए लोग पैसा कमा सकते हैं? दोस्तों मैंने उस बंदे की मजाक उड़ाई, और वो बोर्ड पे प्लान दिखाने वाला आदमी कौन था जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग जानना चाहते होंगे, उस आदमी का नाम था बीसी छाबड़ा जी। बीसी छाबड़ा जी 15 लोगों की मीटिंग, और उस जमाने के अंदर एक इंडिका गाड़ी के अंदर नीले रंग की एक इंडिका गाड़ी, पूरे इंडिया के अंदर बीसी छाबड़ा जी जो है इंडिका गाड़ी से जाया करते थे, और उस गाड़ी में सारा सामान हुआ करता था, कोई पिकअप सेंटर नहीं हुआ करते थे, कहीं पे कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ करते थे। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख की इनकम बताई, कोई एग्जाम्पल किसी के पास नहीं थे, बस एक एग्जाम्पल था सुरेंद्र जी वत्स का चेक 2100 रुपए का उस समय पे था, वो 2100 रुपए का चेक दिखाते थे, हमारे पास उस समय कोई एग्जाम्पल नहीं था। मैंने वहां पे उस मीटिंग में मजाक उड़ाई लोगों की, और मजाक उड़ा के कि ये बंदा इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, तुम इसकी बातों में आ रहे हो? ये सुन के जो है मैं अपने घर आ गया, मैंने मजाक उड़ाई, लेकिन मैंने उस दिन भी आरसीएम को बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं भगवान पे, उस खुदा अल्लाह पे बहुत विश्वास करता हूँ, वो जब जिसको जो चीज देना चाहता है तभी उसको मिलती है। शायद मेरी किस्मत में उस समय आरसीएम बिजनेस नहीं था, और उस मीटिंग में जो 15-16 लोगों की मीटिंग थी, मैं आपको बता दूं उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। उसमें जितने भी कोर लीडर आप जानते हैं हरियाणा के साइड के, जैसे सुरेंद्र जी वत्स, विजय विरोधिया जी, जूनियर विजय, राकेश शर्मा, श्रीचंद्र त्री, बलवान दीक्षित, और बहुत सारे लोग जो है उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। किसी के पास कोई बड़ा लेवल वहां पे नहीं था, सब लोगों ने ज्वाइनिंग किया, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया। 8-10 दिन गुजरते हैं, विजय विरोधिया जूनियर अपने फादर को लेके मेरे घर आते हैं, मेरे कमरे पे आते हैं, मैं उनको अंकल बोलता था। उसने मेरे को बोला कि खान बेटे तेरे को विश्वास नहीं है, हम तेरे 1500 रुपए मार लेंगे क्या? उस समय गत्ते की एक किट आया करती थी, एक 1320 रुपए की थी, एक 1400 कुछ की थी, एक 1500 रुपए की थी, कि हम तेरे पैसे मार लेंगे क्या? मैंने कहा नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, असल में बात यह है कि ये इस तरह की चीजों पे मेरे को विश्वास नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, बात अगर 1500 की है तो ले लो। तो मैंने सिर्फ एक इज्जत रखने के लिए उनको अंकल बोलता था 1500 रुपए दिया, और उन लोगों ने मेरी एक ज्वाइनिंग लगा दी। मेरी ज्वाइनिंग लग गई, लेकिन मैं बिजनेस में सीरियस नहीं हुआ, सिर्फ ज्वाइनिंग कर ली। मैं अपने फोटोग्राफी के काम में मस्त रहा और फोटोग्राफी के काम में चलता रहा, लेकिन मैंने इस बिजनेस को कभी सीरियस नहीं लिया। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे क्या कारण था कि मैं आरसीएम को नहीं करना चाहता था, उसके पीछे एक रीजन था, थोड़ा सा टच करके आपको बताना चाहता हूं। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक मैसेज भी जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों को इससे एक मैसेज मिलेगा।
95 या 96 की बात है कि हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था। 96 में एमवे कंपनी का एंट्री होता है इंडिया के अंदर, वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। 96 में जैसे इंडिया में एमवे ने एंट्री मारा और उसकी प्रचार होना शुरू हुआ तो बहुत तेजी के साथ लोगों ने उस कंपनी को ज्वाइनिंग किया। मैं बिल्कुल ओपनली ये चीज आपको बिल्कुल बताने में कोई शर्म नहीं करूंगा, मैं किसी कंपनी की बुराई करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं। तो उसमें उस कंपनी के अंदर जो है रिक्शा चलाने वाले ने, जो है बड़े बड़े ऑफिसरों ने, आम ने, खास ने, सब लोगों ने उस कंपनी को ज्वाइनिंग किया क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट। बहुत तेजी के साथ उसके बड़े बड़े फंक्शन होने लगे, सेमिनार होने लगे, सारी चीजें हुई। और एक दिन मेरी जिंदगी में भी, मैं आरसीएम से पहले की थोड़ी सी आपको बैक लेके जाना चाहता हूँ, 96 में मेरे एक फ्रेंड थे, इस बिजनेस में लिस्ट मेकिंग एक 5 बेसिक का एक स्टेप आता है, लिस्ट मेकिंग उस बिजनेस के उस कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे लेवल का है। तो जो बंदा मेरी शादी में आया था उस बंदे ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिख लिया था और मैंने अपने जीवन के अंदर पहला प्लान जो देखा था वो एमवे कंपनी का देखा था। और वो लोग मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आए और मैंने जो है एक तालकटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग अटेंड करी दिल्ली में, और उस मीटिंग का जो चीफ गेस्ट थे वो थे पंकज टिटोरिया। पंकज टिटोरिया आपने सुना होगा, रक्षक एक पिक्चर आई थी सुनील सेट्ठी की, उसमें विलेन का रोल करते हैं। ये बात मैं 18-20 साल पहले की बता रहा हूं। तो पंकज टिटोरिया ने उस समय एक विजन क्लियर किया तालकटोरा में कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य होने वाला है, इंडिया के अंदर इसका क्या फ्यूचर है। उस समय ज्यादा लोगों को बारे में पता नहीं था यहाँ पे बिजनेस के बारे में, नेटवर्किंग के। लेकिन मैंने पंकज टिटोरिया को सुनने के बाद मेरी दिमाग की नसें खुल गई और मैंने आके एक डिसीजन लिया, शाहबुद्दीन यार स्टडी करने में क्या जाता है। मैंने एमवे को स्टडी करना शुरू किया और मैंने एमवे बिजनेस को करना शुरू किया। दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को बताते हुए शर्माऊंगा, मेरी जिंदगी में एंट्री हुई एमवे के माध्यम से। मैंने 4 साल तक एमवे बिजनेस को किया और उस बिजनेस के अंदर जो है मैंने बहुत तेजी के साथ काम किया। लेकिन क्योंकि मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, मेरा सर्कल उस तरह का नहीं था, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट इतने महंगे थे कि आम आदमी उसको यूज नहीं कर सकता था। क्योंकि आप सब लोगों को डी कुमार जी ने सिखाया होगा कि बिजनेस जो हमारा आता है वो टर्नओवर से आता है, ना कि लोगों को जोड़ने से। आप पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को जोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है। तो मेरा सर्कल जो था गरीब लोगों में था, उसके प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और उसी तरीके से क्या हुआ दोस्तों, एक घटना घटी। 4 साल तक मेरा अपने फोटोग्राफी के ऊपर से ध्यान हट गया, एक जनून नेटवर्किंग के अंदर आ गया। मैं रात दिन फील्ड में रहने लगा, मेरा फोटोग्राफी से ध्यान हटने लगा, मेरी जो इनकम सोर्स थे वो बंद होने लगे। मैंने बहुत भारी गलती क्या की कि मैंने अपने फोटोग्राफी के काम को धीरे धीरे करके मेरा काम बंद हो गया। उसके बाद एक घटना घटी, वो घटना ये घटी दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने, कुछ समझदार लोगों ने जिन्होंने थोड़ा सा नेटवर्किंग सीख ली, उन्होंने देखा यार एमवे एक नया कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कल्चर के हिसाब से नहीं है, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। और हर 4 लोगों ने मिलके हर चौराहे पे एक कंपनी बना के शुरू कर दी। हर चौराहे पे किसी ने मुर्गे बेचने शुरू कर दिए, किसी ने गधे बेचने शुरू कर दिए, किसी ने कहा कि हम आरसीएम से ज्यादा देंगे, किसी ने कहा ये होगा फलाना ढिमका, दुनिया भर की कंपनियां, किसी ने कहा बैंक तो 8 साल में डबल देते हैं, हम 3 साल में डबल दे देंगे। हिंदुस्तान में एक बाढ़ सी आ गई नेटवर्किंग की और लोगों का विश्वास उड़ने लगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लोगों का पैसा लेके भाग गई और बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव होने लगे। और आज भी मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की छवि बनी हुई है कि आप अगर टाई पैंट कोट लगा के किसी गांव में चले जाते हो और किसी कंपनी का आरसीएम का नाम लेते हो तो लोगों के दिमाग में जाता है तो लोगों को लूटने के लिए आया है, ये कोट पैंट टाई वाले सारे लोगों को लूटने के लिए आते हैं। इस तरह की छवि इंडिया मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की बनी और बहुत सारी कंपनियां हमें छोड़ के चली गई और बहुत सारी कंपनियों को हम छोड़ के चले गए। इस तरह की कंपनियां मेरे भाई, उसी तरीके से उन्हीं दिनों में जब हमने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया, भीलवाड़ा जैसी जगह से एक दूसरे लाला जी ने देखा कि आरसीएम तो बढ़िया चलने लगा, इसका डब्बा बेचने का काम, क्यों ना हम भी ऐसा एक बिजनेस शुरू करें। और भीलवाड़ा से एक कंपनी शुरू हुई और मैं उस कंपनी का जो है उसके वहां के मेयर थे भीलवाड़ा के, और मेयर होते हुए उन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू करी जिसमें बोला गया कि 1 लाख से इनकम आती है, 1 लाख से। आज आ मेरी गाड़ी में बैठ जा, दुनिया भर की कंपनियां मार्केट में लुभावने लुभावने आपको ख्वाब दिखाती हैं कि 1 करोड़ का चेक। आप देखते होंगे कोई मर्सिडीज दिखाएगा, कोई बंगले दिखाएगा, कुछ दिखाएगा, लेकिन मेरे भाई ना तो मर्सिडीज से इनकम आती, ना आपके बंगलों से इनकम आती। इनकम आती है प्रोडक्ट से, इनकम निकलती है गुडशिप से, इनकम निकलती है चाटा अपनी आरसीएम की चाय से, इनकम निकलती है अपने प्रोडक्टों से। मेरे भाई वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट कितने आपके टीम के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, उससे इनकम निकलती है, उससे मर्सिडीज आती है, उससे बंगले बलते हैं। लेकिन नहीं, लोगों ने लूटने, हिंदुस्तान है ना, अपना दिमाग लगा दिया।
एक लाख से इनकम देंगे और आरसीएम के बड़े बड़े धुरेंदर, आरसीएम के बड़े बड़े लीडर आरसीएम को छोड़ छोड़ के जाने लगे और जो है मार्केटिंग प्लान दिखाने के आने लगे। उसी उन्हीं दिनों में वो लोग मेरे पास भी मार्केटिंग प्लान लेके आए, साबुद्दीन जी आरसीएम में कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे लीडर हो, आप बड़ा काम कर सकते हो, ये देखिए हमारा प्लान। मैंने कहा सर दिखाइए। उन्होंने बताया सर हमारी कंपनी की ज्वाइनिंग 7,000 में होती है, स्टारनेट नाम की कंपनी भीलवाड़ा से शुरू हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है 7,000 में क्या करते हो? उन्होंने कहा सर हम 7,000 में आपको एक बकरी देते हैं। क्या देते हैं? एक बकरी देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 7,000 दिए, बकरी मिल गई आगे। उन्होंने कहा सर बकरी जो है, उन्होंने कहा बकरी जो है महीने में, 6 महीने में पता नहीं 2 महीने में 2 बच्चे देती है। तो मैंने कहा ठीक है आपने 7,000 दिए, एक बकरी ली, बकरी के 2 बच्चे, वो बच्चे 6 महीने में तैयार हो गए, फिर उसके 2 बच्चे, उसके बच्चे फिर 6 महीने में तैयार हो गए, फिर उसके 2, और ऐसे इसके बच्चे, और एक बकरी से 1,000 बकरी बना के आपको मार्केटिंग प्लान में दिखाते थे और आपको 6 महीने में 1 साल में करोड़पति बना देते थे। तो बोला सर कुछ नहीं करना, सिर्फ 7,000 लगाने, और हिंदुस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी है कुछ करना ना पड़े। रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख लेते हैं, कुछ करना ना पड़े, पैसे लगवा लो लेकिन कुछ करना ना पड़े। आरसीएम के बहुत सारे लोग जो दिमाग से, मैं कहूंगा कि उस समय बदकिस्मत थे, दिमाग से पैदल थे, आरसीएम को छोड़ छोड़ के उस कंपनी में जाने लगे। मेरी टीम के बहुत सारे लोग उसको छोड़ छोड़ के उस कंपनी में जाने लगे, लेकिन मैं समझ चुका था कि एथिकल और अनएथिकल क्या है। लोगों ने काम किया, मार्केट में हुहाकार मच गया, आरसीएम के लीडर इतने सारे छोड़ के जाने लगे। तो थोड़े दिन के बाद फिर दूसरी कंपनी आ गई। तो उन्होंने कहा सर आप तो बहुत अच्छे लीडर हो। मैंने कहा आइए सर आप भी बताइए। उन्होंने कहा सर स्टारनेट कुछ नहीं है, एक नई कंपनी शुरू हुई है भीलवाड़ा से, वो तो आपको 1 साल में करोड़पति बनाती है, हम आपको 6 महीने में करोड़पति बना देंगे। तो मैंने कहा तुम भी बताओ। तो उसने बताया सर बकरी तो 6 महीने में 2 बच्चे देती है, हमने सुअर बनाने की कंपनी बनाई है, सुअर पालते हैं हम लोग, बकरी तो 2 बच्चे देती है, सुअर 12 बच्चे देता है, और जब सुअर के 12 बच्चे होंगे, उसके बच्चों के 12 बच्चे होंगे, तो बकरी तो 1 साल में करोड़पति बनाएगी, आप तो यहाँ पे 3 महीने में करोड़पति बन जाओगे, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे। मेरे भाई थोड़े दिन के बाद ना तो बकरी का पता, ना बकरी वालों का पता, थोड़े दिन के बाद ना तो सुअर का पता, ना उन सुअरों का। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गाड़ियां ले लेके लोग मेरे घर पे आए, जिस समय पे मेरा चेक 5-6 हजार का हुआ करता था। बाहर पे गाड़ी खड़ी है, 3-3 ब्लैक कलर की गाड़ियां बीएमडब्ल्यू। साबुद्दीन खान छोटे से एक कमरे में 500 रुपए महीने के कमरे में रहता था, मेरे को बोलते थे साबुद्दीन देखो तुम्हारा कितना बढ़िया बोलने का तरीका, तुम अच्छे लीडर, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या मेरे को पाप दिखाते। मैं उनसे हाथ जोड़ता भैया मेरे को तो 5,000 ठीक है। आज वो जो लोग बीएमडब्ल्यू में घूमते थे 15-18 साल पहले, पानीपत के अंदर भेलपुरी बेचते हैं, आज वो लोग जो है जूतों के कारोबार करते हैं, आज उनके गले में जूतों की मालाएं डल चुकी हैं। पहला यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ मेरे भाई, एक कहावत है ना, एक जगह पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी होता है, और मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने स्टडी के बेस पे कह रहा हूँ, मैं कोर लीडर होने के नाते आपको बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 1-1.5 साल से कोविड का जब से मसला चला है, बड़े बड़े चेक दिखाने वाले लोग सब गायब हो गए। अब दूसरी कंपनियों में काम करने वाले लोग, अब जितनी भी कंपनियां जो है मार्केट के अंदर है, चाहे वो एथिकल है चाहे अनएथिकल है, सबका ग्राफ भी बड़ी जोर से नीचे की तरफ गया है, लेकिन हम इकलौती आरसीएम बिजनेस ऐसी कंपनी है जिसका ग्राफ तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया है, हमें गर्व है दोस्तों आरसीएम बिजनेस के ऊपर। दोस्तों ये आरसीएम बिजनेस वो बिजनेस है जिसपे विश्वास करना पड़ेगा, ये आरसीएम बिजनेस वो बिजनेस है जिसके अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने पेशेंस रखा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, हमने इस तरह के लोगों को जो है, इस तरह के लोगों से बचते हुए लोग हम आगे बढ़े। आज जो है मेरे भाई आरसीएम का रेट, आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम की क्वालिटी, ये जो है आपको तेजी के साथ आगे की तरफ लेके जाएगी, तो आपको भटकना नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा था दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी आई, मेरी जिंदगी में मैं क्यों इतना लेट यहां तक पहुंचा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो चीजें देखी थी, एथिकल और अनएथिकल को अच्छे तरीके से समझ चुका था, और मैंने भी फिर इनके बैकग्राउंड कमजोर थी एमवी छोड़ने के बाद, तो मैंने भी सोचा कि साबुद्दीन स्टूडियो तेरा बंद हो गया। मेरे घर पे लोग, मेरे पापा गांव में रहते थे, बोलते तेरा लड़का लोगों को मेंबर सेम्बर बनाने का काम करने लगा है, कान अपने बच्चों को संभालो, कहीं तुम्हारे कपड़े ना फाड़ दे लोग गांव में, 1 साल 80-90 साल से तुम्हारी इज्जत है, मेरे पापा को बोलते थे। दोस्तों मेरे को शर्म आती थी, 6 महीने अपने पापा के सामने नहीं गया, क्योंकि मेरे को पता था सही और गलत क्या है, लेकिन मजबूरी ने फिर भी मैंने कुछ ऐसी कंपनी में कदम रखा कि चलो यार कुछ कमा लेते हैं, फिर अच्छी कंपनी कर लेंगे। मैं
आजा मेरी गाड़ी में, कुछ कंपनियों में गया बैठा और जो कुछ मेरे पल्ले था वो भी खत्म हो गया। मेरे भाई डर लगने लगा था, आप यकीन करके मानना, जब कोई मेरे घर पे आता था ना, कोई कंपनी छोड़ के चली गई, किसी कंपनी को हमने छोड़ दिया, जब हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, जब वो कंपनी को हमने छोड़ा तो दोस्तों, जब मेरे घर के किराए के कमरे के दरवाजे को कोई ठोकता था आके, तो मैं नीचे नहीं देखता था, मैं पहले छत पे जाता था और ऊपर से देखता था गली में कौन सा आदमी कौन सी कंपनी के पैसे मांगने आ गया। अगर मैं थोड़े दिन और आसिम करता रहता, सॉरी इस तरह के कामों में लगा रहता, तो जूतों की गले में माला डालनी बाकी थी, बाकी सारे काम हो चुके थे। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ 15 जनवरी 2005 को, क्योंकि समय कम है, मैं अपनी स्टोरी आपको कवर करूंगा। 15 जनवरी 2005 को मेरी जिंदगी में मिस्टर विजय विरोधिया जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे घर के थोड़ा सा बगल में रहते थे। अब तो उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में दूसरी सिटी में चले गए थे जिंद में, लेकिन वो उस समय विजय विरोधिया जी मेरे क्लोज फ्रेंड थे। एमवे कंपनी के अंदर से मैं उनको जानता था, विजय जी बार बार मेरे पास आते थे, लेकिन मेरे दिमाग पे एमवे का भूत सवार था। लेकिन 15 जनवरी 2005 को मेरे घर वालों ने एक चीज समझी कि भाई मेरा, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, पता नहीं किस काम में लग गया है, चलो उसकी शादी कर देते हैं। बहुत कम उम्र में मेरी शादी कर दी गई और शादी करने के बाद और ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई। मेरी मिसिज मेरे पास जो है सिटी में आके मेरे छोटे से कमरे में रहने लगी और उधर से मेरा फोटोग्राफी का काम बंद हो गया। परेशान था दोस्तों, मेरी मिसिज मेरे को सलाह देती कि साबुद्दीन किसी फोटोग्राफर की दुकान पे तलाश कर लो, कहीं पे जाके नौकरी कर लो, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। दोस्तों मैं लगा हुआ था किसी फोटोग्राफर की तलाश में कि कोई मेरे को 2000 रुपए की नौकरी दे दे उस जमाने में। लेकिन खुदा, एक शेर मेरे को हमेशा याद आता है कि यूं तो जगाने के बहाने आते हैं उसको, यूं तो जगाने के बहाने आते हैं उसको, दरों पे दस्तक देने खुदा आया नहीं करता। वो भगवान, वो खुदा ईश्वर आपके घर खुद चल के नहीं आता, वो माध्यम बना के भेजता है। 15 जनवरी 2005 को विजय विरोधिया जी रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर बन चुके थे, मेरी ज्वाइनिंग लग चुकी थी 2002 में। विजय विरोधिया जी मेरे पास आते हैं, मेरे को समझाते हैं, एक घंटा डिस्कशन होता है। साबुद्दीन यार, तेरे पास इतनी अच्छी नॉलेज है, तूने सीखा है सब कुछ, देखो मेरा जो है इतने रुपए का चेक आने लगा है, देखो मैंने आईफोन एक गाड़ी परचेज कर ली है। साबुद्दीन तुम क्यों नहीं समझ रहे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिना मतलब उन्होंने एज ए फ्रेंड होने के नाते मेरे ऊपर प्रेशर बना के, मेरे को दोस्त होने के नाते मेरे को समझाया, एथिकल अनएथिकल की बातें हुई। एक डेढ़ घंटा बात होने के बाद जो है विजय विरोधिया जी ने मेरा सारी चीजें क्लियर करी और मैंने विजय जी से कहा कि ठीक है दोस्त, मैं सोचता हूँ। अब उनको पता नहीं था मेरे हालात क्या है। मेरे हालात अंदर से ये थे कि जिस कमरे को मैं रहता था उसका किराया देने के पैसे मेरे पास नहीं, तो उस समय पे मैंने वादा किया, विजय जी चले गए, मिसिज मेरे को देख रही है कि दोबारा से फिर पंगा आ गया, बड़ी मुश्किल से इन कंपनियों से पीछा छुड़ा था। लेकिन 2-3 दिन हो गए मैं कमरे में पड़ा हुआ, मिसिज मेरे को बोलती, आप तो बोल रहे थे कि मैं आरसीम करूंगा, क्या रहा? मैंने कहा मैडम करूंगा तो सही, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में फोटोग्राफी बंद हो चुकी थी। मेरी मिसिज ने 700 रुपया कहीं से इकट्ठा करके बेचारी ने छुपा के रखा हुआ था, वो 700 रुपया मेरे को दिया, बोला कि अगर इनसे काम चलता तो देख लो। मैं 700 रुपया लेके आंखों में आंसू, और हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर एक जगह है यमुनानगर हरियाणा में, मेरे एक फ्रेंड रहते थे, मैं उनके पास गया और उनके साथ वर्किंग करनी शुरू करी, ना कहीं पे पिकअप सेंटर, ना कहीं पे कुछ। एक रेलवे में एक बहुत बड़े अधिकारी थे हमारे, जानने वाले थे मेरे दोस्त के दोस्त, उसके पास गए, उससे बार बार बात करी, सर आरसीएम ये आरसीएम वो, तो उसने कहा कि एक दिन परेशान होकर उसने बोला कि यार ये लड़के बार बार मेरे पास आते हैं, चलो अपना शोरूम दिखा के लाओ। हम उसको लेके गए, हमने कहीं से फोन फान करके पता किया, उस समय पे घर में किसी ने एक एजेंसी ले रखी थी, उस समय पे सिर्फ किटे आती थी आरसीएम की, और दूसरा कपड़ा नहीं था और दूसरा प्रोडक्ट नहीं था। हम जब उसमें घर में गए तो वहां क्या देखते हैं कि वो मकान पूरा टूटा हुआ, एक लेडीज वहां पे बाल जो है वहां पे बैठे बना रही है अपने बैठ के, जो हमें बोलती है। हमने बोला कि सर पिकअप सेंटर यहीं पे है, तो उसने कहा ये इसमें देख लो। जब उसके घर के अंदर गए, एक छोटी सी अलमारी हमने खोल के देखी, उसमें 5-6 किटे पड़ी हुई थी, उस पर धूल जमी हुई थी। हमने किटे निकाल के उसको झाड़ना शुरू किया और वो जो गच्चीड ऑफिसर था वो हमें देख रहा है, वो बोलता है कि यार टाइम खराब मत करो, चलो पहले मेरे को आरसीएम का शोरूम दिखा के लाओ। अब वो जो मेरा दोस्त था वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि यार इसको शोरूम कैसे बताएं कि यही हमारा शोरूम है। सर बड़ी मुश्किल से उसको हिम्मत जुटा के कहा, सर हम तो हमारा यही है। वो बंदा मुस्कुराया, उसने कहा यार तुम लोग पागल हो, इतनी बड़ी दीवानगी तुम लोगों के अंदर, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास एक ही प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी धूल जमी हुई है और तुम बात करते हो करोड़ों रुपए की। मैं दाग देता हूँ तुम्हारे एक्साइटमेंट की, तुम्हारे जुनून की। और बंदे ने कैसे भी कैसे करके हमने 1500 रुपए से उसकी ज्वाइनिंग करा दी। रुद्रपुर एक जगह है हरिद्वार से आगे चल के, वहां पे मैं गया उस दोस्त को लेके मोटरसाइकिल पे, सर्दियों के दिनों में जो है
हवाएं चल रही हैं, ठंडी जो है हाथ में बर्फ जम गई, जिस आदमी के घर पे जाके दरवाजा कटाते हैं, अंदर जाते हैं, उस दोस्त का रिश्तेदार बोलता है, चाय वाय पिला के जैसे आरसन की बात शुरू करते हैं, बोलता है भैया चाय पियो पानी पियो आप हमारे रिश्तेदार हो, लेकिन गलती से भी आरसन का जिक्र मत करना, हम इस तरह के फालतू कामों में नहीं पड़ते। जो दोस्त मेरे पास गया था दोस्तों वो भी नेगेटिव हो गए, अकेला रह गया मैं। वापस आया, 8-10 दिन वर्किंग करी, 8-10 दिन वर्किंग करने के बाद जब जेब में हाथ डाल के देखता हूँ तो 700 रुपए खर्च हो चुके थे, सिर्फ इतने पैसे बचे थे जिससे कि मैं किराए से अपने घर पहुंच सकता। सर मैंने डिसीजन लिया कि आज 10 दिन हो गए हैं घर जाए, 15 दिन हो गए हैं, चलो एक बार घर चक्कर मार के आता हूँ। मैं घर आया, पानीपत से मेरा घर, मेरा जो सिटी है 40 किलोमीटर दूर है, पानीपत चौराहा पड़ता है, वहां पे मैं खड़ा हुआ था। दोस्तों मैंने जेब में हाथ डाल के देखता हूँ मेरे घर आने के लिए 40 रुपया किराया लगता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 35 रुपए थे। कभी बस को देखता हूँ, 2-3 बसें मैंने निकाल दी कि कंडक्टर मेरी बेइज्जती ना कर दे, ये मेरे से पूरे पैसे मांगेगा, मेरे पास 5 रुपया कम है या 1 रुपया, पता नहीं 1 या 2 रुपया कम था। तो कहने का मतलब दोस्तों, आंखों में आंसू थे, हिम्मत करके सब्जी के कैंटर में लटक के रात को 11 बजे घर पहुंचता हूँ और एक नई घटना मेरे घर पे घटती है। वो नई घटना क्या घटती है मेरे घर पे कि हमने एक, मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर, उनके पास में 4 बेटियां हैं, उनके पास में एक 5वीं बेटी ने जन्म लिया, तो मैंने तुरंत उसको जो है गोद ले लिया, मैं गोद समझते होंगे आप लोग, मैंने उस बेटी को अपने पास ले आया, 3 दिन की बेटी हमारी, हमने उसको गोद ले लिया, माँ का दूध नहीं पीती थी हम, उसको बाहर का दूध पिलाते थे। मैं फील्ड में था, मेरी मिसिज को मेरी बेटी रो रही है, उसको 30 रुपए का लीटर, 1 लीटर दूध आता था उस समय पे पता नहीं 15-20 रुपए का, तो मेरी मिसिज के पास 15 या 20 रुपए नहीं थे कि मैं अपनी बेटी के लिए दूध खरीद सकूं। मैं बाहर, मिसिज घर पे, बेटी रो रही है, मिसिज को जरूरत है पैसे की, मेरी मिसिज ने अपने परिवार से किसी से यहाँ पे 25-30 रुपए का मांगा कि वो बाहर गए हुए, जब आ जाएंगे तो मैं वो पैसा आपका लौटा दूंगी, लेकिन जो है मेरी बेटी रो रही है, मेरे को 1 लीटर दूध खरीदना है, उनके आने के बाद दे दूंगी। दोस्तों मेरी मिसिज को पैसे मिले तो गए 25-30 रुपया, उसके ऊपर टोंट कसे गए कि वो सारा दिन आवारा गर्दी में घूमता है, मेरे बारे में बोला गया, वो सारा दिन हीरो बन के घूमता है, वो ठेला क्यों नहीं लगा लेता, वो केला क्यों नहीं बेच लेता, वो मजदूरी क्यों नहीं कर लेता अगर अपने बच्चों के लिए दूध का पैसा भी अगर उसके पास नहीं है। मैं, मेरी मिसिज ने जब आके मेरे को स्टोरी बताई कि आज तो ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मेरे भी अंदर एक चीज थी, मैं भी बताना चाह रहा था कि मेरे पास भी किराया नहीं था, मैं इसीलिए लेट हुआ क्योंकि मेरे पास किराया पूरा नहीं था, लेकिन मैंने अपने मन में ये बात रखी और मिसिज को नहीं बताया। और पत्नी ने जो है मेरे को जब ये बातें बताई तो अपने खुदा से दुआ की, ऊपर वाले देने वाला तो तू है, कामयाब करने वाला तू है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। यहाँ पे मेरी मिसिज ने एक जबरदस्त सपोर्ट मेरा किया, जो बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, ये बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस है, ये पारिवारिक बिजनेस है, आप इस बिजनेस में कोई आदमी जेंट्स लगा हुआ है, घर वालों को पता ही नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ जब तक आपके घर का माहौल पॉजिटिव नहीं होगा, आपके उस घर के अंदर प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि पत्नी नाराज है, कहाँ था रात को 12 बजे तक, आपका पिता बोलता है क्या फालतू का काम करने लगा। मेरे भाई आप अकेले बिजनेस को नहीं कर सकते, मेरा मानना यह है, जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, एक बार अपने पूरे परिवार को, अगर आपके घर में 16 साल से ज्यादा का कोई बच्चा, आपका माँ बाप, आपके पिता पत्नी भाई बहन सब कुछ, सबको एक बार ये प्रोग्राम जरूर अटेंड कराएं, आज फिजिकली नहीं हो पा रहे डिजिटली कराएं, एक बार प्रोग्राम जरूर अटेंड कराएं ताकि आपके परिवार को पता हो कि आपका आपका बेटा कर क्या रहा है, फिर आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगी। ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मेरी पत्नी को मैंने उस समय तक 1-2 प्रोग्राम अटेंड करा चुका था, अगर मेरी पत्नी प्रोग्राम अटेंड ना करती तो हो सकता है मेरी मिसिज टूट जाती और वो बिजनेस के लिए मेरे को नेगेटिव करती। मेरी मिसिज ने मेरे को कहा कि खान तुम आगे बढ़ो, उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरे को लगता है ये बिजनेस ही हमें जीरो से हीरो बना सकता है, क्यों, क्योंकि मेरी पत्नी एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम अटेंड कर चुकी थी, इसकी वैल्यू समझ चुकी थी। तो आप भी जब भी प्रोग्राम में आए अपनी फैमिली का, जैसे मीटिंग चल रही है, अरे आजकल तो स्मार्ट LED घर में लगी हुई है, उसे टच करके पूरी फैमिली इंजॉय करते हुए प्रोग्राम को अटेंड करो ना, इतनी सुविधाएं ऊपर वाले ने आपको दे दी कि जिस फिजिकली मीटिंग के लिए आपको 200-400 रुपए खर्च करना पड़ता था, आपको घर छोड़ना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, आज एक से बढ़ के एक लीडर आपको आपके घर में सुनाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए आते हैं, आपके डी कुमार जैसे साथी हर रोज मॉर्निंग में आपका सेशन लेते हैं, आपको क्या चाहिए, इसका मतलब तो फिर आप करना ही नहीं चाहते। अगर हम अपने घर में बैठ के मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, आज 1000 लोग जुड़े हुए हैं, अगर ठान लेके एक आदमी हर जूम में 20 लोगों को लेके आएगा, तो मेरे भाई आपको 5000 लोगों का
जो है जूम ऐप का ये लेना पड़ेगा। आपको 10,000 लोगों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन एक रॉयल्टी अचीवर है, अपने आप को बोलता है मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, और उसके दो लोग भी अगर मीटिंग में नहीं है, उसके पांच लोग भी अगर मीटिंग में नहीं है, तो अपने गिरेवान में झांक के देखे तो कैसे सफायर बन जाएगा, कैसे वो स्टार एडमिरल बन जाएगा, कैसे वो स्टार रूबी बन जाएगा। मेरे भाई 5,000 की नौकरी के लिए सारी रात हम चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार है, पूरी रात, माफ करना मेरे को थोड़ा इस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, हम 5,000 के लिए पूरी जिंदगी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आपसे बिजनेस की बात आती है तो जूम पे मीटिंग कर अटेंड करने के लिए हमारे पास एक घंटा नहीं, कैसे हो जाएगा। जहां से लाखों रुपया 40 लाख रुपए की गाड़ी डी कुमार जी ने परचेज की, हम सपने देखते हैं डी कुमार जी की तरह बनने के, लेकिन उसके लिए डी कुमार ने क्या किया, तो उसके लिए डी कुमार की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। उसके लिए जो है 20 रुपए का घड़ा इंसान खरीद के देखता है, उसको बजा के देखता है कि इसकी औकात क्या है। मेरे भाई देखा, वो खुदा आपको लाखों रुपए दे के देखना चाहता है, वो आपको बजा के नहीं देखेगा, आपको ठोक के देखेगा, आपको बजा के नहीं देखेगा, ठुकाई करके देखेगा आपको, आपको तरह तरह कोने में छुप के रोगे कई बार कि आप क्या पंगा मोल ले लिए, और तब फिर खुदा की आजमाइश में जब आप कामयाब हो जाओगे फिर जो है आपकी बाहरें आएंगी। तो इस तरह की घटनाएं मेरे जीवन में घटी, मेरी मिसिज ने मेरा सपोर्ट किया, मैं और तेजी के साथ बिजनेस को करने लगा, और धीरे धीरे करके आरसी में प्रोडक्ट आने लगे, धीरे धीरे करके जो है लोग आते गए छोड़ के चले जाए गए, हमें डर लगता था कि यार ये बंदा चला गया तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोग मेरे जीवन में चलते चले गए इसी तरीके से, लेकिन साहुद्दीन खान लगा रहा, मैं किसी के भटकाव में नहीं आया। उन्हीं दिनों में दोस्तों ये चीजें मेरी जिंदगी में घटी, और घटने के बाद जो है मेरा अच्छे दिन आने शुरू हुए और मैंने काम करना शुरू किया, मैंने रॉयल्टी अचीव करी, मैंने फिर टेक्निकल अचीव किया, इमरान स्टार इमरान, बहुत सारे मिस हैपनिंग मेरी जिंदगी में घटी, शायद डी कुमार जी को मेरे बारे में पता होगा, वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरा इमरान का बिजनेस था, जब मैं इमरान पे था तो मैं वापस गिर के मेरा बिजनेस जो है मात्र 1,15,000 पे आ गया, मैं नेगेटिव हो गया, मेरे मन के अंदर आने लगा नेगेटिविटी के मैं भी शायद कोई दूसरी कंपनी कर लूं, कोई इस तरह के मैटर हुए मेरी जिंदगी में कि मैं 1,15,000 के बिजनेस से वापस जो है सॉरी एक इमराल के बिजनेस से 1,15,000 पे आ गया। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे को कहा कि सर जब आपने शुरू किया आप अकेले थे, आज कम से कम 10 लोग को साथ में हैं, मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने जो है कुछ लोगों को जवाब देने के लिए जिंदगी में के किसी से लड़ो मत, अगर किसी को तमाचा मारना चाहते तो सक्सेस का तमाचा उनके मुंह पे मारो, मैंने काम करना शुरू किया, रात दिन मेहनत करी, विजय विरोधिया जी ने मेरा सपोर्ट किया, आज जो है सुरेंद्र जी वाद से ये सारे लोग मेरे टच में, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं सब लोग, तो मैंने काम करना शुरू किया और करते करते मेरा 20,000 का चेक, 21,000 का चेक, 40,000, 70,000, 1,00,000, और मैं हाईएस्ट अगर चेक की बात करूं मेरी फैमिली की पिछले महीने की इनकम 13,00,000 रुपए से ज्यादा है, जो है मेरे घर में मेरी इनकम आई 13,00,000 रुपए से ज्यादा है, टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है इनकम मैं ले चुका हूं। जो साहबुद्दीन खान, ये मेरे बुरे दिन थे, अब थोड़ा अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो साहबुद्दीन खान किराए के मकान में रहने वाला लड़का जिसके पास 500 रुपए का किराया नहीं होता था, जिस साहबुद्दीन खान के पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए 25 रुपए नहीं हुआ करते थे, आज ये साहबुद्दीन खान के थोड़ा अच्छे दिनों की बात करते हैं, आज जिस जो मीटिंग आप मेरी देख रहे हो, आप जो मेरे को देख रहे हो जहां पे खड़ा होकर मैं मीटिंग ले रहा हूं, ये मेरा खुद का ऑडिटोरियम है, यहाँ पे जब फिजिकली सेमिनार होते हैं 300-350 लोगों का, एक ऐसा ऑडिटोरियम मेरा जिसमें सारी सुविधाएं, एक आदमी जब अंदर एंट्री करता है तो मेरे ऑडिटोरियम को देख के ज्वाइनिंग कर लेता है, इतना खूबसूरत ये मेरा ड्रीम हुआ करता था, मैंने खुद का अपना ऑडिटोरियम बनाया, इसी ऑडिटोरियम के अंदर सुरेंद्र जी वर्ष मीटिंग लेके जा चुके हैं, इसी ऑडिटोरियम के अंदर बड़े बड़े लीडर आके मीटिंग ले चुके हैं, इसी ऑडिटोरियम के अंदर जो है हर महीने ट्रेनिंग और बड़े बड़े फंक्शन होते रहते हैं, ये मेरा खुद का ऑडिटोरियम है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस, खुदा ने इस बिजनेस के माध्यम से मेरे को दिया। एक सपना था कि उन लोगों को तमाचा मारना है जो लोग मजाक उड़ाते थे, इसे फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो मेरा खुद का अपना जहां पे मेरा रेजिडेंस है जिसमें दुनिया की सारी सुविधाएं, जो मेरा सपना हुआ करता था एक लग्जरी लाइफ जिसके बारे में मैं आपको लगेगा कि मैं अपनी तारीफ करने लगा, मैं उसमें रहने लगा, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा गेस्ट हाउस है, आप 5-स्टार होटल को भूल जाओगे, जब मेरे उस गेस्ट हाउस में घुसोगे मेरे जितने भी इमरान स्टार इमरान रूबी ये जितने भी साथी बाहर से आते हैं क्योंकि उनको होटलों में रुकना पड़ता था, मैंने अलग से अपना स्टाफ रखा हुआ है उनके खाने के लिए, उनका किचन के लिए सब कुछ, मेरा गेस्ट हाउस अलग से है। आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें मीटिंग ले रहा हूँ, तो लास्ट मंजिल पे मेरा खुद का अपना स्विमिंग पूल है, जिस स्विमिंग पूल का मेरा सपना हुआ करता था। मेरे भाई वो ये साहबुद्दीन खान जिसके पास किराया नहीं हुआ करता था, जिस तरह की लाइफ जी रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ मेरी सिटी में, मेरे से ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग तो बहुत सारे होंगे लेकिन साहबुद्दीन खान जितना प्लेन से सफर कोई नहीं करता। तो दोस्तों मैंने लोगों के साथ, आप लड़ो मत, उनको जवाब दो, कामयाबी का तमाचा मुंह पे मारो, आप
लोग लाइन लगा के आपके साथ आएंगे। लोग कहते हैं यार ज्वाइनिंग नहीं होते। अरे मेरे भाई, आपके पास 2 साल पहले भी बाइक पे घूम रहे थे, 4 साल पहले भी बाइक पे घूम रहे थे आरसीएम में, आज भी तुम्हारे पास बाइक है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे जब तेरे कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या करेगा। लेकिन डी कुमार की तरह जब एग्जाम्पल बनोगे, आप लोगों को अपनी जिंदगी में चेंज करके दिखाओगे, तो लोग लाइन लगा के आपके पास आएंगे कि हाँ यार इसकी जिंदगी में बदलाव आया। मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में घटी। मेरे बहुत सारे रिलेटिव मेरी मजाक उड़ाते थे। मैंने, मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया, आज से 12-13 साल पहले की बात है। आज मेरा बेटा 13.5-14 साल का मेरा बेटा है। तो मैंने अपने बेटे का जन्मदिन का एक पार्टी रखा, उसको हम हकीका बोलते हैं, बर्थडे बोलते हैं। तो 3,000 लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आए। बहुत बड़ा एक फंक्शन, एक विशाल फंक्शन हुआ, जिसमें आदरणीय राकेश शर्मा, विजय विरोधिया, सुरेंद्र जी वाच, जितने भी टॉप लीडर हैं, सब लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आए। और जब बर्थडे में मेरे बेटे के आए, तो एक तरफ बहुत बड़ा एक तैयारी की गई, जिसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें गाने चल रहे थे, जिए जा आरसीएम के संग, सारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ खाने का बहुत बड़ा जो है प्लानिंग, वो खाना चल रहा था, उसमें मध्यम मध्यम चल रहा था, जिए जा आरसीएम के संग, और बाहर एंट्री पे लिखा हुआ था वेलकम टू सुफियान खान, मेरे बेटे का नाम है, सुफियान खान के बर्थडे में आपका स्वागत है। और उस समय मेरे बेटे के बर्थडे में यहाँ के लोकल डीएसपी, हमारे पड़ोस में दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसके डीएसपी, हमारे यहाँ के प्रशासन के एमएलए, हमारे यहाँ प्रशासन के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर, वो सारे के सारे प्रशासनिक लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आए। लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े जो है दिग्गज मेरे बेटे के बर्थडे में आए। जो रोड पे जो दुकानें थी, जो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, कहते थे लोगों को लूटने का काम करता है, वो लोग उंगली दबा चुके थे अपने दांतों के तले, इस लड़के ने क्या कर दिया है। तो छोटे से किराए के कमरे में रहता था, और जो है जहां भी देखे आरसीएम, खाने में आरसीएम, डीजे पे आरसीएम। एक रिश्तेदार मेरी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था, हम उसको बहुत ज्यादा आरसीएम, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझा। लेकिन हमने उस बर्थडे पे खास इंतजाम किया हुआ था, उसको 2-3 दिन पहले जो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, उनके पास में स्पेशली कार्ड देने के लिए गया, भैया आप मेरे स्पेशल गेस्ट हो, आपको जरूर आना है। जिनके पास, जिन लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, कार्ड दे के बुलाया ऐसे ऐसे लोगों को। तो मेरा एक रिलेटिव बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था, वो मेरे घर पे आया, मेरे घर पे आके 3 दिन पहले, मैंने उसको 2 दिन पहले इन्वाइट किया, तो हमने एक पैंट शर्ट का कपड़ा पैक करवा रखा था, गिफ्ट दे रहे थे हम सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को। तो जैसे कोई गेस्ट जाता, प्रोग्राम खत्म हुआ, एक पैंट पीस और वो पैकिंग हम उसको दे देते कि सही है सर, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो रिलेटिव भी हमारे पास आया, मेरी पत्नी के पास गया, मेरी पत्नी को कहा कि मैम जो है, मेरी पत्नी की इजाजत दो मैम, 2 दिन हो गया निकलता हूं। तो मेरी पत्नी ने एक पैंट शर्ट का कपड़ा उठा के जो पैक था उसको दिया, और देने के बाद उसको बोला कि भैया ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। कौन था ये आदमी जो मेरी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था? अब वो जो रिश्तेदार मजाक उड़ाता था, जैसे इसको पैंट पीस का कपड़ा देते हैं, उस समय 1500 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी, वो बंदा अपनी जेब से 1500 रुपए निकाल के मेरी मिसिज को देता है। मेरी मिसिज बोलती है भैया ये किस लिए? उसने कहा कि सर, उसने कहा कि मैम मैं भी आरसीएम करना चाहता हूं, के मैं भी आरसीएम करना चाहता हूं सॉरी कि मैं भी आरसीएम करना चाहता हूं। तो मेरी पत्नी बोलती है कि भैया आप तो आरसीएम की मजाक उड़ाते थे, आप पहले इसको समझ तो लो। तो रिश्तेदार बोलता है कि मैम 2 दिन हो गए हैं, चला खाने पे भी आरसीएम चल रहा है, जिए जा आरसीएम के संग, चला डीजे पे भी आरसीएम चल रहा है कि जिए जा आरसीएम के संग, गाड़ियों की 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, एसपी डीएसपी यहाँ पे मौजूद है, एमएलए चेयरमैन यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर एमडी एमबीबीएस बीएस यहाँ पे है। अगर आज भी मेरे को आरसीएम समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, बहन जी ये 1500 लो और मेरी ज्वाइनिंग करा दो। हाथ जोड़ के 1500 रुपए दे के गया कौन आदमी? जो आदमी मेरी मजाक उड़ाता था मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसने सक्सेस को देखा, उसने उस साबुद्दीन खान को देखा था जो बसों में धक्के खाता था, उसने उस साबुद्दीन खान को देखा था जो साइकिल पे चलता था, उसने उस साबुद्दीन खान को देखा था जिसके पास 25 रुपए नहीं थे, उसने उस साबुद्दीन खान को देखा था जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब उस साबुद्दीन खान के बंगले को देखा, उसने साबुद्दीन खान के रहन सहन को देखा, उसने हर साल 1-2 साल के बाद, पता नहीं मैं कितनी गाड़ियां बदल चुका हूं, उसने मेरे बदलाव को देखा, तो बंदा हाथ जोड़ के 1500 रुपए दे के गया। आप सब लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जिंदगी में बदलाव लेके आइए, जिंदगी में कुछ बदलिए उस मोटरसाइकिल को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती काम करके, मेरे भाई इस बिजनेस के अंदर जो है लगातार करिए, लगातार ग्रोथ के ऊपर काम करिए, लेकिन इस बिजनेस में 2 महीने हमारे त्योहार के आते हैं, उसको त्योहार मानता हूं मैं, उसको ईद और दिवाली मानता हूं मैं, जिसको मिशन सेप्टेंबर बोलते हैं और मिशन मार्च बोलते हैं।
कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये तो एक महीने का बिजनेस, अरे मेरे भाई दिवाली के ऊपर आपके घर पे अगर इंतजाम भी नहीं होता, आपके घर पे पैसा भी नहीं होता, तब भी आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, कहीं आप पेंट कराते हो, कहीं पे आप कुछ करते हो, कहीं कुछ करते हो, अरे मेरी पत्नी दिवाली के मौके पे 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट परिफंड में खरीद के लेके आती है, क्यों? क्योंकि बाजार सजा होता है, मार्केट सजी होती है, माहौल बना होता है, मेरी पत्नी को जरूरत नहीं है, घर में रखने की जगह नहीं है, फिर भी 1,00,000 का सामान खरीद के ले आती है, क्यों? क्योंकि माहौल होता है। मेरे भाई अगर आप आपकी पास कौन सी पिन है कोई नहीं, आपके आपके बैंक में कितना पैसा है कोई नहीं जानता, आपके सीने पे पिन कौन सी लगी हुई है सब लोग जानते हैं, अगर ज्यादा दिन तक आपने पिन को चेंज नहीं किया, अगर ज्यादा दिन तक आपकी टीम के अंदर पिनें चेंज नहीं हुई, आपकी खुद की पिन अगर चेंज नहीं होती है तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, आपकी टीम आपसे नेगेटिव होने लग जाएगी कि दूसरे लोगों के पिने चेंज हो रही है, मेरे अपलाइन की क्यों नहीं या मेरी क्यों नहीं। तो मेरे भाई उसमें आप डी कुमार जी से मिलिए, अब इसे मिशन सितंबर चिल्लाना शुरू करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको पिन चेंज करने से रोक नहीं सकती। तो ये मैंने कुछ अच्छे और खट्टे मीठे अनुभव आपको जो है शेयर किए, लेकिन इसमें एक दो चीजों पर रोशनी डालना चाहूंगा जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे ग्रो कर सकते हैं। क्या इस बिजनेस में चार चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसके बाद मीटिंग खत्म करता हूँ, शॉर्ट में टच करके बताता हूँ। नंबर 1, इस बिजनेस में दो तरह की इनकम आती है, एक आती है रिटेल करके, जितना बेचोगे उतना आ जाएगा, दूसरी इनकम आती है वो इनकम जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज काम करते हैं, पैसिव इनकम। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए मेरे भाई नेटवर्क, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंगों में मैं देता हूं उदाहरण कि अभी नवंबर में कंपनी की एनिवर्सरी हुई डिजिटली, और उसमें कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुए, और प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ चावल, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ। सर मेरी टीम में मेरे को नहीं पता कितने लोग हैं, अगर मेरी टीम में 1,00,000 आदमी भी काम करते होंगे और 1 किलो चावल भी एक आदमी ने खरीद लिया तो 1,00,000 किलो चावल मेरा 1 घंटे में चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेटवर्क है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, 4 घंटे में 1,00,000 रुपए की इनकम लेना चाहते हो? कुछ लोग अगर माइक ऑन है तो एक बार हाना में जवाब, 4 घंटे में 1,00,000 रुपए की इनकम लेना चाहते हो? यस। 3 साल हो गए लगे हुए, 3 साल हमें लगे हुए, 1,00,000 रुपए की इनकम 4 महीने में कैसे आ सकती है? हाँ यस, आ सकती है, आ रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। एक समय ऐसा था जब नेटवर्क के ऊपर काम किया, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूं, 5 बजे उठता हूं, 4:30-5 बजे मैं नमाज अदा करता हूं, कई बार काम होता है तो वर्किंग कर लेता हूं नहीं तो दोबारा सो जाता हूं, 9 बजे उठता हूं, 8 बजे 9 बजे कई बार, ये मस्ती की बात कर रहा हूं, 8-9 बजे उठने के बाद ब्रश करता हूं, नाश्ता करता हूं, 10-11 बज जाते हैं, 11-12 बजे के आसपास नहा लेता हूं, क्योंकि अब हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है कि नहाना 8 ही बजे जरूरी है। नहाने के बाद मैं 1 बजे नमाज अदा करने चला जाता हूं, नमाज अदा करने के बाद जब अपने घर में वापस आता हूं तो अपना मोबाइल ऑन करता हूं, कई बार मूड में जिस दिन होता हूं तो उसके बाद मैं अपने मोबाइल को ऑन करके जब अपना बिजनेस चेक करता हूं तो मेरा बिजनेस इमराल्ड का हो चुका होता है, 12 बजे तक, 12-1 बजे तक मैं इमराल्ड अचीवर बन चुका होता हूं। और यहां पे जितने भी सीनियर साथी मेरे को सुन रहे हैं, एक इमराल्ड की इनकम कितनी होती है? एक इमराल्ड की इनकम मिनिमम लगभग 1,00,000 के आसपास होती है। मेरे भाई मैं सो के रात को 12 बजे क्लोजिंग की और अगले दिन 12-1 बजे तक मेरा 1,00,000 रुपए का चेक बन गया। क्यों? मैं तो सो रहा था। अरे दुनिया में कोई आदमी, कोई साथी जो यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, एक तो साथी मेरे को बता दो कि आप सो रहे हो और आपका 1,00,000 का चेक बन रहा हो, वो भी 4-5 घंटे में। क्यों? नेटवर्क की पावर है ये। अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप कह रहे हो सितंबर में रॉयल्टी अचीवर बनना है, कैसे बन जाओगे? आपके पास अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है, इन 3 महीने के अंदर पूरी ताकत लगा दीजिए अपना नेटवर्क बनाने पे, पूरी ताकत झोंक दीजिए अपना नेटवर्क बनाने पे, और नेटवर्क बनाने पे नहीं बल्कि उस लोगों को सिखाने पे, जो लोगों आपके साथ जुड़े उनको सिस्टम समझाने पे कि किस तरीके से ये बिजनेस के उनका विजन क्लियर करिए। अगर बहुत सारे लोगों के एक ग्रुप में बिजनेस पड़ा रहता है, सेकंड ग्रुप में 5-10 हज़ार का बिजनेस भी नहीं है, तो कैसे रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे? आप अपना नेटवर्क बनाइए, नेचुरल बिजनेस को 60-70-80 हज़ार तक खींच के लेके जाइए, 30-40-50-60 हज़ार तक, तो ताकि आपका जो है सितंबर में तुरंत आप 8% या जो भी रॉयल्टी अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर सको। अभी से नींव रखनी पड़ेगी। तो क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आपका नेटवर्क का निर्माण मेन पॉइंट, अगर आप 1,00,000 रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं सोता रहूं और आपको आपकी इनकम बनती रहे, आज सोते सोते 1,00,000 रुपए के चेक हमारे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक समय पे हम लोगों ने नेटवर्क बनाया। पहला पॉइंट, नेटवर्क बनाइए। दूसरा,
अगर आपको चाहते हो कि लाखों रुपए की इनकम सोते सोते हुए आए, तो एक तरफ आपकी टीम में 1,000 लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस आ रहा है 40,000 रुपए का, अरे क्या फायदा ऐसी भीड़ का। आप एक ऐसी टीम बनाइए जो आपकी टीम में भले ही 100 लोग हो लेकिन 100 के 100 लोग डायमंड क्लब करते हो, 100 के 100 लोग डायमंड क्लब करते हो, 1,000 लोगों से बिजनेस 40,000 रुपए का और 40,000 रुपए का। और डी कुमार जी सुन रहे हैं मेरे को? जी जी बिल्कुल सर। सर वो जो लिंक आपके पास आया होगा आप उसमें ज्वाइन कर जाएं, और अगर उधर से आपको इनवाइट किया जाए तो आप उसमें चले जाना प्रोग्राम में, मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगा। सतवंत सिंह जी हैं वहां पे, सतवंत सिंह जी जो है होस्ट हैं वहां के, वो आपको रूबी अचीवर हैं, वो आपको इनवाइट कर देंगे और मैं 5-4 मिनट के बाद तुरंत आ जाऊंगा क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो उसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं उधर। ठीक है सर, ज्वाइन कर लो। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ सर ये लास्ट पॉइंट करके। तो दोस्तों डायमंड क्लब आपके 100 लोग हैं और 100 लोग आपका 5,000 का बीवी करते हैं तो आपका 5,00,000 का बिजनेस आ गया। कौन सी ज्यादा टीम अच्छी है आपके लिए? क्योंकि अब कुछ लोगों ने मुसीबत का टोकरा बना रखा है, 5,000 बीवी कैसे होगा, किस तरह होगा? अरे मेरे भाई जब तक सोचोगे तब तक नहीं होगा, जिस दिन करना शुरू कर दोगे हो जाएगा। उसका एक फार्मूला सिंपल सा मैं बताता हूँ जिसमें मैंने प्रैक्टिकल काम किया है। वो फार्मूला क्या है, आप चाहते हैं 1,00,000 कमाना, आप चाहते हैं 2,00,000 कमाना, अगर दिल से चाहते हैं तो मेरी बात को मानिए। आप 5,000 के लिए सुबह उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, क्या अपने सपने कभी अपने दाल रोटी नहीं चला सकते आप? लेकिन यहाँ पे आपकी जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं। उसके लिए आपको एक फार्मूला है, उसको डायमंड क्लब बोलते हैं, और डायमंड क्लब करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? आप ड्यूटी पे जाते हो, 5,000 तनख्वाह लेते हो, रोज काम पे जाते हो, आप दो दुकान खोलते हो, आप रोज नौकरी पे जाते हो, सारे काम डेली करते हो, कितने के लिए? 15,000-20,000 के लिए। आप 1,00,000 के सपने देख रहे हो, यहाँ पे आरसीएम के लिए आपके पास जो है छोटा सा आपको काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, उस पर काम नहीं करते, कैसे होगा? आप साबुद्दीन खान डी कुमार की तरह बनना चाहते हो, नहीं होगा। उसके लिए आपको डी कुमार बनना पड़ेगा, डी कुमार की तरह सोचना पड़ेगा, डी कुमार की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं। आज हम क्या करें, आज आ रॉयल्टी अचीवर बन जा, आज आ टेक्निकल अचीवर बन जा, लेकिन प्रोडक्टों की जानकारी रखते ही नहीं, प्रोडक्टों की जानकारी है ही नहीं। सर एक एग्जांपल देता हूँ, गुड शिप का एक प्रोडक्ट आता है, गुड शिप एक प्रोडक्ट आता है। यकीन करके मान, हम काम में इतने बिजी है, सिर्फ इतना पता था कि गुड शिप का पाउच निकाल लो, पानी में डालो, गर्मी है पी लो, अच्छा लगता था। उसमें विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक दिन मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठा था, मैंने उसको देखा, मैंने देखने के बाद देखा, अरे यार इसको तो जो है एक पाउच को 3 कप पानी में डाल के देखो, डाला उसको 10 कप में भी डाला जा सकता है लेकिन स्वाद उसका एकदम खराब हो जाएगा। आप कम से कम 3 या 4 कप, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, 3 या 4 कप में पानी में एक पाउच डालो और उसको पूरा चाय की तरह उबालो। अगर टेस्ट अच्छा और भी बढ़िया मजा लेना, अगर किसी को शुगर की दिक्कत ना हो तो उसमें 1-1.5 चम्मच चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, उसके बाद आप उसको गरम गरम चुस्की लेके पियो, उसका टेस्ट इतना गजब का हो जाता है। अगर किसी को एसिडिटी की दिक्कत है, किसी को कब्ज बनता है, आपको तुरंत 15-20 मिनट के अंदर उसका असर दिखेगा। मैंने खुद यूज किया है, मैं फैन हूं उस प्रोडक्ट का, मैं एसिडिटी मेरे को बनने लगी तो जब मैंने उस चीज को यूज किया तो मैं गजब के उसके रिजल्ट मिले। और मैंने बहुत सारे लोगों को डेमो करके, मेरे घर पे जो भी गेस्ट आता मैं उसको डेमो करके उसको चाय की जगह यही पिलाता। अब वो आदमी आरसीएम कर रहे हैं मेरी टीम में, मेरे को पूछते हैं सर ये क्या है? मैंने कहा यार तू रॉयल्टी अचीवर है, तेरे को इसके बारे में नहीं पता क्या है? बोला नहीं सर। मैंने कहा गुड सिप है? बोला सर हमने पिया तो है लेकिन हमने नॉर्मल पानी में डाल के पिया, ऐसे तो हमने पिया ही नहीं। आज आपकी टीम के अंदर भी हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको गुड सिप के बारे में पता तो है लेकिन उसको यूज कैसे करना है, उसके कितने तरीके हैं, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। आप दिन में दोपहर में दही अगर यूज करते हैं, दही में एक पाउच डाल के खा के देखे कितना मजा आएगा। आप बहुत सारी चीजें, सर मैंने जब ये डेमो अपने घर पे देना शुरू किया, जो भी गेस्ट आता उसको पिलाता, सर एक एक लड़का 30-30, 40-40 गुड डोट के डब्बे एक एक महीने में निकाल देता है। अब अगर आपने 30 डब्बे गुड डोट के निकाल दिए, सर फोन करके लोग मंगवाते हैं, सर वो गुड सिप का एक डब्बा चाहिए जो आरसीएम से नहीं जुड़े हुए, सर पता चला का 5,000 बिजनेस वैल्यू वहीं से आपका हो गया। तो ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं। अब हम आ जा मेरी रॉयल्टी अचीवर बन जा, मेरा टेक्निकल अचीवर बन जा, कब बनेगा? जब आपके पास प्रोडक्ट आपकी टीम के अंदर जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी हम दे नहीं पा रहे। नंबर एक पॉइंट, अब ये डायमंड क्लब और भी आसान कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। आपको डेली 500 रुपए का बिजनेस वैल्यू करना है। कितने रुपए का? 500 रुपए का बिजनेस वैल्यू करना है। इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास, आप कहोगे रोज की 500 बिजनेस वैल्यू,
तो रोज की ड्यूटी क्यों फिर 5,000 के लिए, तो रोज की फिर दुकान क्यों 5,000-10,000 के लिए, तो रोज जो है मजदूरी क्यों अपनी घर चलाने के लिए। तो जब रोज के सारे काम आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, ये 500 बीवी रोज करने से आपकी जिंदगी बदल सकता है। कसम खानी है अपने आप से, आपको डी कुमार से वादा नहीं करना, आपको किसी और से वादा नहीं करना, आपको अपने आप से वादा करना है कि शाम को खाना तब खाऊंगा जब मेरे घर में 500 रुपए का बीवी को इकट्ठा नहीं करना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के माध्यम से आपका डेली बिलिंग हो जाना चाहिए ताकि नेट पे जब बिजनेस दिखता है तो खुद के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, एक मोटिवेशन आपके अंदर आता है। तो कितना हो गया, 500 रुपए बिजनेस वैल्यू डेली करिए, और डेली जब 500 रुपए बिजनेस वैल्यू करेंगे तो 30 दिन में आपका 15,000 बीवी निकल के आएगा। कितना, 15,000 बीवी निकल के आएगा, और 15,000 को कुछ बिजनेस नीचे से आएगा। अगर नया आदमी भी है तो उसका 20,000 का स्लैब पूरा हो गया, कम से कम 2,500 रुपए का चेक उसका बनेगा, उसके घर में तेल का खर्चा निकलेगा, उसके घर में जो है थोड़ा बहुत खर्चा बाइक का खर्चा निकलेगा, उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक आदमी अगर हर महीने 200 बीवी करता है, मेरे को शर्म आती है कई बार, माफ करना मेरे को, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर 1,500 रुपए की परचेजिंग इसलिए करते हैं कि मेरी चेक ना रुक जाए। भाई साहब जिंदगी में चेक ही रुक जाएगा, फिर 1,500-20,000 से ऊपर नहीं जाओगे कभी, बड़े सपने पूरे नहीं कर पाओगे अगर 1,500 बीवी करोगे तो। तो ये कब होना चाहिए, 1 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए। मेरी कुछ साथी हैं, मैं यहाँ पे वो टीम वाली बात नहीं करना चाहता, 1 तारीख को मैंने एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है, जितने रॉयल्टी अचीवर हैं उनका 10-10 लोगों का कोर ग्रुप बनाया हुआ है, उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दे रखी है कि जितने भी रॉयल्टी लीडरशिप अचीवर हैं 1 तारीख को सबका स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में आ जाना चाहिए। सब लोग अपने अपने कोर ग्रुप में स्क्रीनशॉट डायमंड क्लब का डालते हैं और वो सब लोग अपने सीनियर के पास डालते हैं। सर कम से कम 10 लाख रुपए की ग्रोथ मैंने एक महीने के अंदर डायमंड क्लब लोग वैसा करते हैं जैसा हम करते हैं मेरे भाई। अब कुछ आत्माएं यहाँ पे परेशान बैठी हैं जिनके दिमाग में एक चीज आ रखी है, सर 500 बीवी तो बहुत ज्यादा होता है, बोलना आसान होता है। चलो आपकी आत्मा को शांति दे देता हूं, आप 500 बीवी मत करिए, आप 300 बीवी डेली करिए। कितना बीवी करिए, 300 रुपए का। सर मेरी गली के इस कोने से दूसरे कोने पे निकल जाऊं ना तो 1,000 का बीवी कर दूं, इतने सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास है। लेकिन जो करना ही ना चाहे उसके लिए तो 100 बीवी भी बड़ा मुश्किल काम है। तो 300 बीवी को अगर आप डेली करते हैं तो करना डेली है, ध्यान रखना करना डेली है, रोज नेट पे आना चाहिए, देखना उसके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो 300 गुना में 30 दिन को अगर करेंगे तो 9,000 बीवी निकल के आता है, आपका 1,000-1,500 रुपए का चेक बनता है मेरे भाई। आपका डायमंड क्लब के लिए तो 500 ही चाहिए, 5,000 चाहिए, तो आपको तो 9,000 मिल गया। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बिल्कुल भटकी हुई है, जिनका इलाज ही नहीं हो रहा है, आपका भी इलाज कर देता हूं, आप 200 बीवी रोज कर लीजिए। तो 200 बीवी को अगर 30 दिन से गुना करोगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 30 × 60 = 6,000 बिजनेस वैल्यू हुआ, आपको 500 रुपए का बीवी चाहिए। अगर 200 बीवी रोज नहीं कर सकते तो मेरे भाई अपना 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 कुछ और कर लो, क्यों आपसे मैं परेशान हो रहे हो, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्यों अपलाइन को अपनी घर वालों को धोखा दे रहे हो। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आपका इलाज भी है, आपका इलाज भी है, ये देसी फार्मूला आपको बता रहा हूं, 100 रुपए का डेली रोज कर लो, 100 रुपए का डेली बिना करे 100 मत रात को, तो 100 को 30 से गुणा करो, 3,000 बिजनेस वैल्यू हो गया, और 2,000 रुपए का प्रोडक्ट हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, तो 5,000 बीवी हमारा डेली हो जाएगा। तो मेरे भाई जिंदगी में इतना आसान है डायमंड क्लब, अगर हम जैसा बोलते हैं, हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को, 500 रुपया छोटू का प्लान, बड़ू का प्लान, इतनी सारी स्कीमों पे काम कर रहे हैं। एक आदमी को 5,000 भला चंगा कर रहा था, उसको 500 बीवी पे ला के रख दिया, उसको 1,000 बीवी पे ला के रख दिया। ये खोपड़ी है ना दोस्त, ये हमेशा इजी ढूंढती है। आप अगर लोगों को ऑप्शन दोगे तो 5,000 नहीं करेंगे, 500 करेंगे, 1,000 करेंगे, लेकिन आप 5,000 से नीचे बात ही करना बंद कर दो, आप 5,000 से नीचे बात ही बंद कर दो मेरे भाई। जो 5,000 जो 2,500 भी नहीं करता, जब आप उससे बार बार 5,000 की बात करोगे तो 2,500 उसको बड़ा इजी लगने लग जाएगा। लेकिन बात मत करो आप 5,000 या सॉरी 500 रुपए की 1,000 रुपए बीवी की बात मत करो, डायमंड क्लब की बात करो। तो ये दूसरा फार्मूला, और तीसरा फार्मूला मेरे भाई ये डायमंड क्लब आपको जो है ना 60-70 लोगों में रॉयल्टी अचीवर बना देगा, अगर आपकी दोनों लेगों में 60-70 लोग डायमंड क्लब करते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेना। दूसरा फार्मूला, आपका स्टेशन ज्यादा होने चाहिए बिजनेस करने के। अगर आपका एक ही स्टेशन पे बिजनेस हो रहा है तो आप खतरे से खाली नहीं है। एक स्टेशन पे बिजनेस अगर डाउन चला गया, कर्फ्यू लग गया, मेरे एग्जाम्पल है अभी कोरोना के अंदर एक टीम थी महाराष्ट्र के अंदर, उसका सितंबर में चेंज इसलिए लेवल नहीं हुआ क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू था। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस ज्यादा स्टेशनों पर था, सबके लेवल इसलिए चेंज हो गए क्योंकि उनका बिजनेस महाराष्ट्र से नहीं आया तो दूसरी जगह से आ गया। तो ज्यादा स्टेशनों को बिल्ड करें, और बाकी तो देखो मेरे पास अगर मैं एक हफ्ता भी बोलता रहूं, क्योंकि मैं जो है काम करके फायर बना हूं मेरे भाई, एक एक चीज, एक एक दुख सुख सारी चीजें
आज अमीरी के चौंसले क्या होते हैं, सर एक लग्जरी लाइफ क्या होती है, आज मेरे पास समय नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। वो सारी की सारी चीजें खुदा ने मेरे को दी है, जिसके बारे में कभी सपने में नहीं सोच सकता। अपनी मन चाही जिंदगी, मन से सोना, मन से उठना, कोई किसी का बोझ नहीं है। और इतना प्यार मिला, आप जैसे दोस्त मिले, डी कुमार जैसे साथी मिले, बहुत सारे लोग मेरे को पता नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन कम से कम नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक ऐसा मान सम्मान, एक ऐसे जिस सिटी में मैं रहता हूँ सारे पॉलिटिशियन मेरे को जानते हैं, सारे डॉक्टर यहाँ के बड़े बड़े एमडी एमबीबीएस मेरे को जानते हैं। मतलब एक जो कभी अंधेरे की दुनिया में हम रहते थे, कोई हमें नहीं जानता था, आज एक लग्जरी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। और एक मजा जो जिंदगी का होना चाहिए, लेकिन वो एकदम नहीं होगा, उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज जिस काम के लिए हमें 10-15 साल लगे हैं, आप मात्र 2-3 साल में इस काम को कर सकते हो, क्योंकि चैन बदल चुका है।